थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। आज मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे आज आप सबसे बातचीत करने का मौका मिला है, और मैं चाहता हूं कि अभी आप लोगों से कुछ बात करना, मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रहा हूं कि आज मुझे बात करने का मौका मिला है आप लोगों से। दोस्तों मैं बड़ा लकी हूं कि मुझे आप सब लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, बातचीत करने का मौका मुझे मिला है। और मैं आज एक जो टॉपिक है जिसके बारे में, एथिक्स इन डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैं बात करूंगा। और दोस्तों उससे पहले मैं बात करूं आगे टॉपिक के बारे में, मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स का, जिन्होंने मुझे आज मौका दिया आप सबसे बातचीत करने का। और ये दिन आज मेरी जिंदगी का बहुत खुशनुमा दिन है, जो आप जैसे अच्छे लोगों से, सब लोगों से बातचीत करने का मुझे मौका मिल रहा है। और जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे के सारे मेंटर्स का। और मेंटर्स में हमारे ग्रेट सुपर अपलायन तो हमारे सारे डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर रजत वर्मा जी, मिस्टर हरीश सोंदी जी, मिस्टर राजू आनंद जी, मिस्टर सिद्धार्थ सहगल जी और मिस्टर राजपाल अरोरा जी। और इसके अलावा जो हमारे मेंटर्स हैं, जिनकी उंगली पकड़ के हमने इसमें चलना सीखा सेफ शॉप में, और इसमें जो भी अचीवमेंट है वो सारे लिए वो उनके माध्यम से, तो मैं उनका भी जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसमें पहला नाम आता है मिस्टर संजय कटोच जी, हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर, और मिस्टर हर्ष बिल्ला जी, मिस्टर दीपक बिल्ला जी, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजय जैन जी, और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर ओम प्रकाश जी, मिस्टर सुनील मान जी हमारे साथी, और मिस्टर माधव जी, मिस्टर विजयपाल जी और मिस्टर जसवीर जी। इन सारे पैनलिस्ट का और सारे साथियों का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने जो भी कुछ सीखा है, जो भी मैं आज बातें करूंगा, मैंने सारी की चीजें या तो हमारे डायरेक्टर्स के माध्यम से, या हमारे साथियों के माध्यम से, या हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से सीखा है। तो उसमें सारी बातें इनकी रहेंगी। और जरूर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी जो बढ़िया लीडरशिप हमारे साथ में है, जिन्होंने एक एक एथिक्स को केवल कमिटमेंट ही नहीं लिया, सीखा भी है। और इसमें हमारे जैन साहब साथ में है, लेकिन मैं जरूर धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर माधव जी, मिस्टर विजयपाल जी, मिस्टर जसवीर जी, इन्होंने हर लेवल पे, अपने हर लेवल पे सारे एथिक्स को फॉलो किया। मिस्टर सुनील जी, मिस्टर देवेंद्र जी, मिस्टर योगेश यादव जी, मिस्टर नागल साहब, मिस्टर शिव कुमार शर्मा जी, मिस्टर शैलेंद्र जी और मिस्टर टिकेंद्र जी, मिस्टर हरिशंकर जी और मिस्टर परशुराम जी, और नन अदर देन मिस्टर विकास यादव जी। इन लोगों ने हमारे साथ में कदम से कदम मिला के सारे एथिक्स को फॉलो करते हुए, जो हमारी मेंटरशिप में सिखाया उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए हमारे साथ में चले और इसको इसको फॉलो किया। दोस्तों एथिक्स डायरेक्ट सेलिंग में है क्या, तो मैं जरूर अपने हिसाब से बताना चाहूंगा कि द मॉरल मॉरल प्रिंसिपल एंड वैल्यू दैट गाइड द एक्शन एंड डिसीजन, ऐसे सिद्धांत जिनकी वजह, जिनको लेके या जिनको साथ में लेके हम लोग कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ डिसीजन लेते हैं। और जो जो भी लीडर लेते हैं उन सब चीजों को, डिसीजन लेते हैं, उनका उनके आधार पर ही हमारी लॉन्ग सक्सेस निश्चित होती है। जैसे एथिक्स है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये हर जगह रहते हैं। किसी और व्यवसाय की तरह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय के भी कुछ नियम हैं, वसूल हैं, और उस नियम और वसूल को जो फॉलो करता है उसका विशाल साम्राज्य की तरह विशाल संगठन बनता है। क्योंकि विशाल संगठन बनने के बाद भी अगर हमने इन एथिक्स को फॉलो नहीं किया तो कहीं ना कहीं हम मिस कर जाएंगे। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है इस एथिक्स की, तो मेरा ऐसा मानना है कि एक पर्सन गेट सक्सेस ड्यू टू हिज एबिलिटी एंड कमिटमेंट। एक आदमी अपनी सफलता जो है अपनी योग्यता और कमिटमेंट की वजह से पाता है, बट ही मेंटेन्स दैट सक्सेस बाय एथिक्स। लेकिन उसको सक्सेस को मेंटेन करने के लिए लॉन्ग टर्म में एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है। और दोस्तों एथिक्स की बात आती है तो मैंने जो वर्ल्ड लेवल पे जो बड़े बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, जो सक्सेस की परिभाषा लोगों को सिखाते हैं, उसमें से एक नाम है मिस्टर जिम कॉलिन। जिम कॉलिन एक घंटे का जो लेक्चर देते हैं तो उसका $1,00,000 वो चार्ज करते हैं। और वो 500 फॉर्चून जो कंपनीज हैं, उनके 500 फॉर्चून कंपनीज के जो सीईओज हैं, उनको ये अटेंड करते हैं और कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज को रन करना चाहिए उनके बारे में ये लोगों को बताते हैं। तो ये सारी चीजें जब ये बताते हैं तो इनका जो मेन अहम पॉइंट एक रहता है, इन्होंने उसके ऊपर एक स्पेशल एक बुक भी लिखी है कि हाउ द माइटी फॉल। बड़े से बड़ा संगठन, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कैसे एक एथिक्स नहीं फॉलो करने की वजह से
मतलब गिर जाता है। और हम लोग, हमारे को भी बड़ा संगठन बनाना है, हमको भी बड़ा खेल करना है, बड़ा काम करना है और बड़ी टीम बनानी है, तो हमको तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे लिए इन एथिक्स को फॉलो करना। और हम लोग लकी हैं, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें एक सेफ सोप जैसी कंपनी मिली जो एथिक्स का पर्यायवाची है। मैं पिछले 17.5 सालों से इस सेफ सोप कंपनी के साथ में अटैच हूँ, मैं इसके साथ में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये हर एथिक्स को, गवर्नमेंट का रूल हो, कोई रूल है, प्रिंसिपल है, एथिक्स है, पूरा एथिक्स के ऊपर ये चलने का पूरा पूरा चलती है हमारी कंपनी। और अभी हम लोगों ने देखा COVID-19 के दौरान, अभी लॉकडाउन हुआ था, बहुत सारी कंपनी थी, उन्होंने एथिक्स को फॉलो ना करते हुए बहुत सारी कंपनीज ने अपना 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 और अपने लीडर्स का भला चाहने लगे। लेकिन हमारी कंपनी ने इस लॉकडाउन के दौरान 100% इसको गाइडलाइन जो गवर्नमेंट की थी उसको फॉलो किया, एथिक्स को फॉलो किया। हमारी कंपनी का डायरेक्टर्स का मानना था कि हमारी इनकम और हमारे लीडर्स के चेक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों की जान, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लोगों की सुरक्षा, क्योंकि हम देश के सच्चे सिपाही हैं, तो हमें एज ए कोविड वॉरियर के नाम से जाना जाना चाहिए आने वाले टाइम में। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे डायरेक्टर्स का कि ऐसी एथिक्स को फॉलो करने की जो उनकी सच्ची लगन है, वो इस कंपनी को डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, रात दुगनी और दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करवाती जा रही है। दोस्तों, एथिक्स फॉलो करना क्यों जरूरी है, मैं ये थोड़ा सा मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कोई भी आदमी किसी भी लेवल पे अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करता है, तो जैसे सपोज हम मानते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का चेयरमैन अगर चाहे कि जो प्लग ऑन है उस प्लग के साथ प्लग में वो सोचे कि बिजली तो मैं पूरे इंडिया में मैं सप्लाई करता हूँ या पूरी स्टेट में मैं सप्लाई करता हूँ और ये बिजली को मैं चाहे जैसे कर सकता हूँ, लेकिन अगर उस प्लग के अंदर अगर वो उंगली डालेगा तो मुझे लग रहा है कि चेयरमैन होने के बावजूद भी बिजली उसको बख्शने वाली नहीं है, उसको छोड़ने वाली नहीं है और उसको जरूर करंट लगेगा। तो ऐसे ही जो आदमी चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाए, चाहे छोटा सा जीरो की टीम से हो, चाहे 1000 की टीम हो, चाहे लाखों की टीम हो, चाहे मिलियंस की टीम हो, उस आदमी को एथिक्स फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे बिजली को नहीं मालूम कि ये चेयरमैन की उंगली है, ऐसे ही पूरी जनता को, समाज को नहीं मालूम रहता है कि ये बड़े बड़े दिग्गज लीडर की उंगली है। तो ऐसे ही हमको हमेशा एथिक्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एथिक्स को नहीं फॉलो करने से, जैसे प्लग में उंगली डालने से नुकसान होता है, ऐसे ही एथिक्स में फॉलो नहीं करने से आदमी का मान सम्मान पैसा सारी चीजें बाहर चली जाती हैं। तो सॉरी, मैं एक मिनट के लिए, दोस्तों मैं जरूर एक बात और डिस्कस करना चाहूंगा कि एक कुछ एथिक्स हैं हमारे पास जो हमने सीखे हैं इस बिजनेस के माध्यम से, और वो एथिक्स हैं कि नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग विद अ प्लान। इसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा एथिक्स है नेवर पास द नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। और तीसरा है नेवर मेस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। और चौथा है नेवर क्रिटिसाइज, कंडम एंड कंप्लेन, ओनली कंप्लीमेंट। ऐसे ही कुछ एथिक्स और हैं जो सेकंड स्लाइड में मैं बताना चाहता हूं कि डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। और नेक्स्ट एथिक्स है नेवर यूज एल्कोहल इन बिजनेस मीटिंग। एंड तीसरा जो एथिक्स है वो है डोंट लाई, अवॉइड वोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। कभी झूठ ना बोले, गप्पे डींगे ना हाके और अननेसेसरी शो ऑफ ना करें। तो दोस्तों वन बाय वन करके इसको हमें शेयर डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट रूल है, नेवर डू एनीथिंग न्यू फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अप्लाइन, ये ऐसा ही हुआ कि हम दूसरों की गलतियों से जो सीखता है वो समझदार इंसान होता है, और गलती करके सीखता है वो अनाड़ी आदमी होता है। लेकिन मुझे लग रहा है अगर हम समझदार हैं तो हमारे अपलाइन से जो भी कुछ नया करना है उसको सीखा जा सकता है। और कई लोग सोचते हैं कि साहब हम लोग तो खुद ही अनुभव करके सीखेंगे, तो आप कई चीजें हमको अनुभव करके सीखने में बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमको मालूम है कि साइनाइड को टच करने से या साइनाइड को खाने से अगर आदमी मर सकता है, तो चख के देखना मुझे लग रहा जरूरी नहीं है। तो लोगों के अनुभव से हमको सीख लेना चाहिए, उसी से हमको बिलीव कर लेना चाहिए। दूसरी बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि अपलाइन की जो इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस में बहुत ही ज्यादा है। अपलाइन का जो आदमी ज्यादा से ज्यादा उपयोग करता है, अपलाइन का जो ज्यादा से ज्यादा
ब्लेसिंग लेता है, अपलाइन का ज्यादा से ज्यादा जो सहयोग लेता है, वो आदमी हमेशा आगे बढ़ता रहता है। और मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने है, मैंने देखा है। तो इसको मैं छोटी सी कहानी के माध्यम से एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अपलाइन का क्या महत्व है। एक बार एक गाय थी और वो जंगल के किनारे तक चली गई चरते चरते, तो वहां पे एक भूखा शेर था, उसने उसका पीछा करना शुरू किया। गाय समय रहते दौड़ लगाई गाय ने, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जाके किसी दलदल में फंस गई, दलदल में कूद गई, और दलदल में कूदी तो दलदल में फंस गई, और शेर भी जोश जोश में दलदल में कूद गया, लेकिन वो थोड़ा दूरी पे कूदा तो दोनों का मुंह बाहर था और दलदल में दोनों फंसे हुए थे, प्रयास कर रहे थे निकलने का लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। तो उसी टाइम गाय शेर की तरफ देख के हंसने लगी। गाय को पूछा शेर ने कि गाय हंस क्यों रही है, आप तो अभी दलदल में फंस गए, हम लोग मरेंगे। तो गाय ने बोला, नहीं नहीं शेर, हम दोनों नहीं मरेंगे। बोला, दोनों कैसे नहीं मरेंगे, कैसी बात कर रहे हो आप? तो उसने गाय ने बोला कि तू आप मरोगे, मैं नहीं मरूंगी। बोला, क्योंकि मेरा एक मालिक है, मेरा कोई सीनियर है, मेरा कोई मेंटर है, वो ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे लेके जाएगा, बचा के लेके जाएगा। लेकिन शेर तू ये बता, तेरा कोई मेंटर है, तेरा कोई अपलाइन है, तेरा कोई सीनियर है? बोला, नहीं, मैं तो खुद ही जंगल का राजा हूं। तो बोला, बेटा मर। तो अपना सीनियर होना और मेंटर होना ये सौभाग्य है, वरदान है हम जैसे लोगों के लिए, और ये हमको मिले हैं, तो इनकी बातों को हमको फॉलो करना चाहिए। और एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, कई लोग अपनी टीम में नीचे लगे रहते हैं, केवल टीम को बोला सर चेक तो टीम के साथ काम करने से आते हैं, लेकिन हम बोलते हैं कि टीम के साथ काम करना जरूरी है, एक हाथ आप टीम को जरूर पकड़ाइए, लेकिन एक हाथ हमको हमेशा अपलाइन को भी देना चाहिए। अपलाइन को भी अगर हमने हाथ दूसरा दिया तो हमारा बैलेंसिंग बना रहेगा, और एक जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो ऐसे एक स्ट्रॉन्ग टीम हम बनाने में कामयाब रहेंगे। अगर हमने कहीं अपलाइन का हाथ छोड़ा तो आप देख रहे हो स्लाइड में कहीं ना कहीं हम लोग बैलेंसिंग नहीं बना पाएंगे। अगर डाउनलाइन का भी नहीं छोड़ना है, अपलाइन का भी नहीं छोड़ना है, ऐसे करके हमको अपलाइन की बातों को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और दोस्तों सेकंड जो रूल है, मैं उसके बारे में जरूर एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि डोंट पास नेगेटिव इन योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये बहुत ही मतलब परीक्षा है हर एक इंसान की, क्योंकि जो बात नेगेटिव बात करने में जो मजा आता है लोगों को, उसको मजे को छोड़ते नहीं है लोग, लेकिन नेगेटिव डाउनलाइन के साथ तो करना ही नहीं चाहिए। नेगेटिव क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम नेगेटिव बातें हम अपने बच्चों के सामने नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, उन पे बुरा असर पड़ता है। ऐसे ही डाउनलाइन भी हमारे बच्चों की तरह है, तो उनके साथ में कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, और साथ साथ में क्रॉस लाइन के साथ में भी बात नहीं करनी चाहिए नेगेटिव। क्यों नहीं करनी चाहिए क्रॉस लाइन के साथ में नेगेटिव बात? क्योंकि वो भी तो किसी की डाउनलाइन है, हमारे अपलाइन की डाउनलाइन है, अगर उनका नुकसान कर रहे हैं तो हमारा भी नुकसान है इनडायरेक्टली। तो कभी भी हम डाउनलाइन और क्रॉसलाइन के साथ में कभी नेगेटिव बात ना करें, क्योंकि क्रॉसलाइनिंग होना, क्रॉसलाइन लोग होना बहुत जरूरी है, उनसे भी हम लोग बहुत सारी चीजें सीखते हैं और बहुत सारी चीजें हमको वरदान में मिलती हैं क्रॉसलाइन के माध्यम से। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा कि नेगेटिव चीजें इस हम चार पहले तीन बापू के बंदर थे, अब ये चार हैं, तो इनमें ये साफ साफ बोल रहे हैं कि बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो। अगर हमको बड़ी सक्सेस लेनी है इस जिंदगी में, इस जीवन में, तो हमको ना तो बुरा देखना चाहिए, ना बुरा सुनना चाहिए, ना बुरा बोलना चाहिए, और ना ही बुरा सोचना चाहिए। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलें। ये बंदर हमको यही मैसेज दे रहे हैं कि हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव देखें और पॉजिटिव सुनें। अगर हमने ऐसा किया तो बहुत बढ़िया हमारे साथ में काम होगा। दूसरा दोस्तों, तीसरा जो रूल है हमारे इस एथिक्स है, वो एथिक्स है कि नेवर मेस अप विद एनीवन्स ईगो, मनी एंड स्पाउस। हमको कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना है, कभी भी किसी के मनी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, और कभी स्पाउस के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। क्योंकि इस ईगो के बारे में हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर साहब रजत जी ने बहुत बढ़िया एक बार बात बातों में हमको सिखाया कि कभी भी हमको किसी की ईगो नहीं हर्ट करना है, पॉलिटिक्स के मैटर को लेके, रिलीजन के मैटर को लेके, जेंडर को लेके, जॉब को लेके, फूड हैबिट्स को लेके, हम लोगों ने कभी भी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना। क्योंकि ईगो हर्ट करने का मतलब है हम उस इंसान की वैल्यू कम कर रहे हैं, और किसी भी इंसान को, जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, वो सारे के सारे उनकी एक वैल्यू है, भगवान के बनाए हुए लोग हैं सारे लोग। और अगर किसी के साथ कभी भी ईगो हर्ट करने की कोई बात आती है तो उसके जूते में आप पैर के रख के देखें कि अगर आप या हम उनकी जगह होते तो क्या महसूस करते। तो इस चीज का हम विशेष ध्यान रखें, कभी भी हमारी टीम का कभी कोई ईगो हर्ट नहीं करें। अगर किसी को हम सुनते हैं तो सुधारने का अकेले में उसको
भलाई, उसकी भलाई के लिए आप अकेले में समझा सकते हैं, लेकिन सबके सामने नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट एक मनी डिसिप्लिन, मनी के साथ नो बोरोइंग नो लेंडिंग, वी आर इन द कैश एंड कैरी बिजनेस, हम लोग कैश एंड कैरी बिजनेस में है, कभी भी हमको ना तो उधार लेना चाहिए कुछ, ना हमको उधार देना चाहिए। अगर टीम में उधार क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैसे में महारत होती है संबंध खराब करने का, क्योंकि बड़े बड़े रिश्तेदार, बड़े बड़ी कई सारी चीजें हम लोगों ने सुनी होंगी कि पैसे के लेन देन की वजह से उनके संबंध खराब हो गए, रिलेशन खराब हो गए। तो हमको किसी भी हालत में आपस में लेना देना नहीं करना चाहिए। लेना देना करने के लिए बैंक्स हैं, बड़े बड़े साहूकार हैं, उनके साथ में लेना देना करें, लेकिन टीम में नहीं करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमको बहुत बड़ा काम करना है। और ऑलवेज कीप योर अकाउंट क्लियर, अगर किसी से रास्ते चलते कभी 1,500-2,000 कभी आपस में लेना देना पड़ गया किसी मजबूरी बस, तो उसको तुरंत क्लियर करें, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे यार वो तो भूल जाएगा, लेकिन भूलता कोई नहीं है, ना देने वाला भूलता है ना लेने वाला भूलता है, सिर्फ उसकी एथिक्स बेकार हो जाता है और आगे के लिए उसको मिलता नहीं है। दूसरा, हमको दिल से ऑनेस्टी रखनी चाहिए, दिल से ऑनेस्टी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लेकिन लोग करते क्या है, ईमानदारी तब तक करते हैं जब तक बेईमानी करने का मौका ना मिले, लेकिन हमको कब ईमानदार रहना है, जब बेईमानी करने का मौका मिले तब भी, नहीं मिले तब भी। तो इसको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे। मैं शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर से पता लग रहा है, सब लोगों ने कहानी सुनी होगी पंचतंत्र की कहानियों में, बचपन की जो किताब में बुक्स में थी, कि एक लकड़हारा था और नदी के किनारे पे पेड़ काट रहा था। ये उस टाइम पे राम के जमाने की, श्री राम जी के जमाने की बात है, कि उस टाइम पे त्रेता युग में, तो उसकी कुल्हाड़ी गिर गई नदी में और वो बैठ के रोने लगा। उसके दुख को देख के एक जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला मेरी कुल्हाड़ी गिरी हुई है, तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं ढूंढता हूँ। तो उन्होंने जल देवता ने एक कुल्हाड़ी निकाली और वो सोने की थी, तो उसने पूछा क्या ये सोने की है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं। फिर उन्होंने चांदी की निकाली, बोला ये आपकी है, बोला नहीं ये आपकी है, बोला नहीं ये मेरी नहीं है। तो फिर उन्होंने लोहे की निकाली, उसकी जो ओरिजिनल कुल्हाड़ी थी लकड़हारे की, तो जैसे ही उसने निकाली तो झटपट उसने बोला हाँ ये मेरी है। तो उसकी ईमानदारी पे खुश होकर जल देवता ने तीनों कुल्हाड़ी दे दी और तीनों कुल्हाड़ी लेके वो चला गया खुशी खुशी। लेकिन अभी जमाना था कलयुग का, कलयुग के जमाने में फिर वही लकड़हारा वही नदी के किनारे पे लकड़ी काटने के लिए आया हुआ था, लेकिन अभी कलयुग के हिसाब से अभी उसमें एक एडिशन, एक फीचर ऐड हो गया कि वो बीबी के साथ आया हुआ और अचानक उसकी बीबी नदी में गिर गई और उसने बचाने की कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया, लेकिन बैठ के फिर वो कुलाड़ा रोने, फिर लकड़हारा रोने लगा। तो फिर जल देवता प्रकट होते हैं, जल देवता ने बोला कि क्या बात है, वत्स बताओ क्या बात है, बोला जी मेरी बीबी गिर गई है और मैं उसको बचा नहीं पा रहा। तो उस जल देवता ने बोला कि ठीक है मैं निकालता हूँ, जल देवता ने डुबकी लगाई और प्रीति जिंटा को निकाल के लेके आए, बोला ये आपकी है, तो लकड़हारे ने बोला यस मेरी है। तो जल देवता को बड़ा गुस्सा आया, बोला यार जब मैं त्रेता युग में आया था तेरे पास तब तो तूने बोला, तब बड़ी ईमानदारी दिखाई और अभी आप देखो एक ही झटके में मुकर गए आप, मैं प्रीति जिंटा को दिखा रहा हूँ और आपने बोला नहीं ये मेरी बीबी नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने बोला कि ऐसी बात नहीं है, उस जल देवता को बोला कि ऐसी बात नहीं है, बात में तो वो भी याद है कि पहले आपने सोने की कुल्हाड़ी निकाली थी, फिर चांदी की, फिर मेरी ओरिजिनल निकाली, फिर आपने तीनों दे दी थी, तो अभी क्या पता, मैं उसी हिसाब से मेरी माइंडसेट से मैं बोल रहा हूँ, आपने अभी पहले प्रीति जिंटा निकाली, फिर बात माधुरी दीक्षित निकालते, फिर उसके बाद आप मेरी निकालते, फिर आप बोलते तीनों लेके जाओ। तो लेकिन मैं श्री राम के उस ऑनेस्टी वाले एक बीबी वाले फॉर्मूले को फॉलो करना चाह रहा था, इसलिए मैंने ऐसे बोला। तो खैर ये तो जोक है, लेकिन मतलब हमको कभी भी ईमानदारी हमेशा मेंटेन करनी चाहिए लेन देन में और सारी चीजों में। तीसरी बात आती है करेक्टर की, स्पाउस किसी फैमिली, देखो ये बहुत ही पवित्र बिजनेस है हमारा, बहुत पाक बिजनेस है, यहाँ पे हम लोगों के घरों में जाते हैं और लोगों की हमारे साथ में बहनें काम करती हैं, बेटियां काम करती हैं, माताएं काम करती हैं, किसी की बीवी पत्नी काम करती है, तो सारे लोग काम करते हैं। तो उस टाइम पे हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लॉन्ग टर्म में लंबा चलना है तो हमको मदर थ्योरी को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मदर थ्योरी मतलब ऐसा कोई काम हम अपने बिजनेस में ना करें जो हम अपनी मम्मी को या माता जी को खुश होकर ना बता सके। इसका मतलब ये है कि हम दूसरों को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। और हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल अभी देख रहे हैं स्लाइड के माध्यम से और सुना है, और एग्जाम्पल ये बोलता है कि एक बार जब राम और रावण का युद्ध हुआ तो रावण जब मृत्युशैया पे थे तो राम उसके पास गए
तो रावण ने एक सवाल पूछा कि हे श्री राम, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि मैं कुल में आपसे बड़ा, कुल मेरा मेरा कुल ज्यादा बड़ा है, मैं राजा कुल से हूँ, आप तो वनवासी हो, मैं कुल में आपसे बड़ा, जाति में आपसे बड़ा, मैं ब्राह्मण हूँ, और मैं आपसे ज्ञान में बड़ा, मेरे को सारे वेदों का ज्ञाता हूँ, और मैं आपसे तपस्या में बड़ा, बहुत सारी शक्तियां है मेरे पास सेना सबसे आपसे बड़ी है, और धन धान्य मेरे को आप मेरे पास आपसे ज्यादा है, मेरे पास सोने की लंका है और आपके पास तो कुछ नहीं है, वनवासी है, फिर भी मैं युद्ध में क्यों हार गया आपसे? तो श्री राम जी ने उस टाइम पे एक लाइन बोली, एक वाक्य बोला, और वो वाक्य क्या था? वो ये था, श्री राम जी ने बोला कि हे रावण, आप चरित्रहीन है और मैं चरित्रवान हूं, इसलिए मैं जीत गया। तो दोस्तों, बड़े से बड़ा युद्ध आप सही चरित्र के साथ जीत सकते हैं, बड़े से बड़ी टीम हम बना सकते हैं, बड़ी से बड़ी सक्सेस हम लोग पा सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक ही है कि हमारा चरित्र हमेशा सही होना चाहिए। और अभी हमने इस बिजनेस में आके सीखा कि 3 C का हमने कभी यूज नहीं करना चाहिए, नेवर यूज 3 C एंड ऑलवेज यूज 1 C। ये 3 C क्या है? 3 C है, फर्स्ट C है क्रिटिसाइज, नेवर क्रिटिसाइज, कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, नेवर कंडेम, नेवर कंप्लेन, कभी शिकायत ना करें, क्योंकि जब जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं तो आप नीचे जा रहे होते हैं, जब जब आप किसी को कंडम कर रहे होते हैं, कोई आदमी कंडम नहीं होता इस दुनिया में, सारे भगवान के बनाए हुए लोग हैं, सबको हमको साथ में लेके चलना चाहिए, सब में अपने अपने हुनर हैं, तो हमको किसी को कंडम नहीं करना चाहिए। जब भी हम किसी को कंडम कर रहे हैं तो हम इसका मतलब नीचे जा रहे होते हैं, और जब हम किसी की कंप्लेंट कर रहे होते हैं, किसी की शिकायत कर रहे होते हैं, तो हम नीचे जा रहे होते हैं, और हमको हमारा मकसद है ऊपर जाना, तो ऊपर जाना अगर मकसद है हमारा, तो हमको 3 C का यूज नहीं करना चाहिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करें, चाहे अपनी डाउनलाइन के लोगों, चाहे कोलाइन के लोगों, चाहे अपलाइन के लोगों, सही है, सारे किसी को क्रिटिसाइज ना करें, किसी को कंडम ना समझें, कंडम ना करें, और किसी की शिकायत ना करें, क्योंकि शिकायत करने से की बजाय हमको सोल्यूशन ढूंढने पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग ही बड़ा काम कर पाते हैं, बड़ा खेल कर पाते हैं। लेकिन 1 C को हमेशा यूज करना है हमने, और वो सी है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हर हाल में, अगर हमारी टीम ने बढ़िया काम किया, कॉम्प्लीमेंट, गिव देम कॉम्प्लीमेंट, अगर नहीं किया तो भी गिव देम कॉम्प्लीमेंट कि अभी भी वो आपके साथ में टिके हुए हैं। अगर वो प्रयास किया, किसी को रिजल्ट नहीं मिले, तो भी हमारे सीनियर ने सिखाया कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट देना है। तो हमको 3 C को छोड़ के 1 C पे जाना है, कभी क्रिटिसाइज नहीं करना, कंडम नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना, केवल कॉम्प्लीमेंट करना है, और कॉम्प्लीमेंट करके ही हम लोग बड़ी सक्सेस लोगों को दिला सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है, नेवर इंडल्ग इन क्रॉस लाइन एक्टिविटीज। हमको इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, हमको कभी भी क्रॉस लाइनिंग के लिए को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ना ही क्रॉस लाइनिंग खुद करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अगर आज ये तो क्रॉस लाइनिंग का मतलब सीधी सीधी बात है, खेती कोई बो रहा है और काट के कोई लेके जा रहा है, और क्रॉस लाइनिंग का मतलब है किसी की कमाई को आप चुरा रहे हैं, तो क्रॉस लाइनिंग हमने तो करनी नहीं है, लेकिन क्रॉस लाइनिंग को हमने प्रमोट भी नहीं करना। अगर हमारी टीम में भी कभी करता है कोई, तो उसको डिस्करेज करना है, उसको प्रमोट नहीं करना है। दूसरा एक बात और जो मैंने सीखी इस बिजनेस के माध्यम से, कि डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन के लीडर्स के साथ कभी भी कोई काउंसलिंग आपको करनी नहीं चाहिए, हमको करनी नहीं चाहिए, कभी उनके साथ बिजनेस बिल्डअप करते समय कभी भी उनके साथ बिजनेस शेयर नहीं करना चाहिए। क्रॉस लाइन के साथ हम अपना मीटिंग में मिलते हैं तो उस टाइम पर हाय बोलो, और जब जाते हैं तो बाय बोलो, सही है, और जब कभी बीच में रास्ते में कहीं मिलते हैं तो टाटा बोलो, हाय बाय टाटा, हाय बाय और टाटा बोल के हम रिलेशन रखें। इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉस लाइन बहुत बुरे आदमी होते हैं, नो, दे आर वेरी गुड पर्सन, लेकिन अपने अपलाइन हमारी माँ होती है, और माँ से ही हमको जो भी सलाह करना है, काउंसलिंग करना है, मशवरा करना है, जो भी करना है, जब हमारे पास माँ है, अपलाइन है, तो हमको अपलाइन से ही ये सारी चीजें करनी चाहिए, क्रॉस लाइन से। लेकिन हम लोगों को सीखने को बहुत मिलता है, मैं आपको जरूर 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि क्रॉस लाइन के लोगों से हमको बड़ा विजन मिलता है। मैं एक बार टेक ऑफ के फंक्शन में था, तो कैसे लाखों रुपए का चेक बनाना चाहिए, ये जो विजन मुझे मिला अजय पिल्ले जी को देख के मिला मेरे को टेक ऑफ फंक्शन में। और फर्स्ट जो फंक्शन मैंने देखा था, उसमें श्री मान साहब जी और मिस्टर संजय गुप्ता जी, वो लोग स्टेज पे थे, और दे वर सेइंग कि आर यू एक्साइटेड। तो उस टाइम का मुझे याद है, तो मैं इनको देख के बहुत मोटिवेट हुआ था कि काश मुझे भी कभी स्टेज पे आने का मौका मिले। उसके बाद वहां पे एक मिस्टर बी सिंह हैं, हमारे एयरफोर्स के बैकग्राउंड के, वो स्टेज पे आए थे, उन्होंने बोला था कि इसको पार्ट टाइम में सीख के किया जा सकता है, वो बात मुझे आज भी याद है।
और फर्स्ट टाइम मैंने एक हर्ष बिला जी को एज ए डायमंड मैंने देखा था, तो मैं मुझे समझ में आया कि इस कम एज का बंदा ये डायमंड बन सकता है, तो हम लोगों को भी डिसीजन ले सकते हैं, हम लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों क्रॉस लाइन से हम लोग बहुत ज्यादा सीखते हैं, बहुत सीखते हैं, लेकिन क्रॉस लाइन के साथ अपने जो संबंध है हाई बाय और टाटा तक के होने चाहिए, उनके साथ बिजनेस डिस्कस ना किया जाए, उनके साथ हम लोग कोई काउंसलिंग वगैरह नहीं करें, क्योंकि काउंसलिंग करने के लिए, बिजनेस डिस्कस करने के लिए हमको हमको भगवान ने, ऊपर वाले ने और सेफ सो कंपनी ने हमको हमारा अपलाइन दे के रखा है। तो मैं नेक्स्ट जो एक पॉइंट है जो एथिक्स को फॉलो करने वाला, मैंने बहुत सारी वर्ल्ड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो पिछले 50 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के दिग्गज हैं, उनके बायोग्राफी पढ़ी, तो उन्होंने भी, उनसे भी मुझे पता चला कि नेवर यूज एल्कोहल इन टीम मीटिंग। कभी भी टीम में जब हम लोग होते हैं तो कभी भी हमको अल्कोहल यूज नहीं करना चाहिए, बिजनेस के दौरान हमको अल्कोहल या किसी टाइप का नशा नहीं करना चाहिए। इवन अगर हमने कभी अल्कोहल, किसी को मान लो शौक है या नहीं रुक सकता, तो उसको कभी भी दारू पी के कभी टीम में किसी से बात नहीं करनी चाहिए और किसी मीटिंग में कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये एक छोटी सी बात, दारू पी के आदमी की दारू पी के कई लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कई लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसलिए अमेरिका जैसे देश में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में दारू को अवॉइड करते हैं वो लोग किसी भी मीटिंग में, तो आप बताओ इंडिया में तो मुझे लग रहा है कि इसका और भी ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मुझे फक्र है कि मेरे सारे के सारे जितने भी अपलाइन है और सारे के सारे जितने भी टीम के लोग हैं वो सारे इन व्यसनों से दूर रहते हैं। कभी मैंने किसी बंदे को हमारी टीम में ये सब व्यसन करते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे भी ये पक्का विश्वास हुआ कि इस चीज फोकस करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट पॉइंट मेरा एक ये है कि डो नॉट लाई, कभी झूठ मत बोले, झूठ बोल के प्रमोट किया गया बिजनेस बाद में पोल खुल जाती है। और अवॉइड बोस्टिंग, डींगे नहीं हाँकना है, डींगे हाँकने से कुछ बड़ा काम नहीं होता है। अगर हमारा 5,000 का चेक है तो 5,000 का बताएं, 10,000 का चेक है 10,000 का बताएं, अगर और जरूरी है अपलाइन का चेक दिखाएं, तो ये हमारे को डिंग नहीं आंकनी है और अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करना है। अननेसेसरी शो ऑफ करने से कुछ फायदा नहीं होता है। अगर आपके पास जो 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 अचीवमेंट है, जो आपकी लेवल है, उसी को बताएं, उसी को बताने से भी आपका बड़ा बिजनेस हो सकता है। और जब अगर आप सच्चाई बोल के बिजनेस करेंगे तो आपकी नींव सच्ची बनेगी और बड़ा खेल हो जाएगा, बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन जो एथिक्स है हमको भी सीखने चाहिए और हमारे को अपने टीम को भी सिखाना चाहिए, लेकिन ये टीच एथिक्स बाय एग्जांपल, हमको एग्जांपल देके सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग खुद एथिक्स को फॉलो नहीं करें और टीम फॉलो कर ले। हमको पहले एथिक्स को खुद फॉलो करना चाहिए और उसके बाद टीम से फॉलो करने की उम्मीद करनी चाहिए। और दोस्तों लोग वो नहीं करते जो लोगों को हम बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो लोग हमको करते हुए देखते हैं। और ऐसे ही मैं इस बात को मैं जरूर रिपीट करना चाहूंगा, इफ यू फॉलो द एथिक्स योर टीम विल फॉलो। अगर आप एथिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी टीम फॉलो करेगी। मैं अपने हमारे जो ग्रेट मेंटर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जरूर बताना चाहूंगा, मिस्टर राजीव चतुर्वेदी जी, मिस्टर संजय जैन जी, इन लोगों ने हर एक ऐसा एग्जांपल सेट किया करके दिया हम लोगों को कि कभी भी हमको लगा नहीं कि यार कभी भी ये लोग इतने इतने एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं। कभी भी इन लोगों ने नेगेटिव बात नहीं करी टीम के सामने या हमारे सामने। कभी भी इन लोगों ने मतलब क्रॉस लाइनिंग को या उसको बढ़ावा नहीं दिया। हमेशा अपने ये चाहते तो इतने बड़े पद पे होने के बाद कुछ ढाल मोल कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने हमेशा एथिक्स को फॉलो किया और उसी का ट्रू कॉपी हमारी टीम अभी जब वो फॉलो कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि हमारी टीम में जो एक एग्जाम्पल सेट किया है हमारे लोगों, गुरु लोगों ने, तो उस एग्जाम्पल को हमने भी आगे सेट करना चाहिए, क्योंकि मंकी सी मंकी डू करती है। पहले हमको सही करना पड़ेगा और उसके बाद टीम से हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों मैं अभी इसको समरी को थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देता हूं और रिवाइज करने में दोबारा एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग विद एक्टिव अपलाइन। एक्टिव अपलाइन के साथ चेक किए बगैर आप कोई नई काम या नई कार्रवाई ना करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्लान दिखाने जाएं कि नहीं जाएं, इसके लिए बार बार फोन करने की जरूरत नहीं है। जो बता रखा है, जो काम पहले से हमको मालूम है, जो सिस्टमेटिक है, वो तो हमको करना है सारा काम। लेकिन कोई नई चीज करनी है तो जरूर अपलाइन से पूछ लें, क्योंकि उनका अनुभव हमारे काम आ सकता है। नेक्स्ट, नेवर पास एनी नेगेटिविटी टू डाउनलाइन एंड क्रॉसलाइन। ये हमने बच्चे से समझा कि नेगेटिव चीजें बिल्कुल जहर की तरह होती हैं और जहर से जितना बचा जाए उतना अच्छा होता है। कभी भी डाउनलाइन में या क्रॉसलाइन में किसी टाइप का कोई जहर या नेगेटिव बातें नहीं फैलानी चाहिए, ये हमको समझ में आ गई है।
फिर नेवर मिस अप विद एनीबॉडीज मनी ईगो एंड फैमिली. और ये भी हमको पता चला कि हमको कभी किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाहिए, मनी का लेन देन साफ सुथरा होना चाहिए, और कभी भी किसी की फैमिली या परिवार के प्रति हमको गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो पवित्र बिजनेस है, पाक बिजनेस है, यहाँ पे हमको लोगों के साथ में रहकर काम करना है. नेवर क्रिटिसाइज कंडम एंड कंप्लेन ओनली कंप्लीमेंट्स. कभी भी किसी को क्रिटिसाइज ना करें, चाहे अपलाइन डाउनलाइन कोलाइन कोई भी हो, किसी को क्रिटिसाइज करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है. कभी किसी को कम ना समझें, कभी भी किसी की कंप्लेन ना करें. हमेशा अगर कर सकते हैं तो एक काम करें, कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट. और ये कंप्लीमेंट करने का, प्रमोशन करने का ही काम है. अगर हम कंप्लीमेंट और प्रमोशन करते रहते हैं तो लोगों का और हमारा टीम, बड़ी टीम बनाने में हमको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है. डू नॉट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉसलाइन. क्रॉसलाइन के साथ हमको किसी भी हालत में अपना बिजनेस डिस्कस नहीं करना है. कई लोग क्रॉसलाइन के पास डायरी लेके बैठ जाते हैं, गुरुजी बोला मेरी वो कर दो, काउंसलिंग कर दो. क्रॉसलाइन से काउंसलिंग हो ही नहीं सकती. क्रॉसलाइन आपकी काउंसलिंग आपकी अपलाइन से हो सकती है, और अपलाइन या हमारी माँ जैसे हमको सबसे ज्यादा जानती है, ऐसे ही हमारी अपलाइन हमको सबसे ज्यादा जानती है. और अपलाइन में वो कई सारे लोग रहते हैं, किसी ने किसी को से तो आपकी मतलब एक राइट ट्यूनिंग होनी चाहिए. और नेवर यूज एल्कोहल इन वाइल इन मीटिंग. और हमने मीटिंग में कभी भी या बिजनेस में एल्कोहल को नहीं लाना है, क्योंकि एल्कोहल नशा है और नशे को लोग अच्छी नजर से नहीं देखते हैं. और कुछ लोग तो अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग संभाल भी नहीं पाते हैं. ये बातें बहुत छोटी छोटी लगती होंगी, कई बार सुनी सुनी लगती होंगी, लेकिन इन बातों को फॉलो करने के बाद, करने से कितना बड़ा एम्पायर खड़ा हो सकता है, ये तो हम जब करते हैं तभी पता चलता है. और डू नॉट लाई, लाई कभी झूठ नहीं बोले. अवॉइड बोस्टिंग, कभी डिंग ना हके, मतलब बहुत झूठ ना बोले, डिंग ना हके, और अननेसेसरी शो ऑफ नहीं करें, क्योंकि जितना है उतना बताएंगे तो उससे भी काम हो सकता है. मैं अभी अपनी बात को एक लाइन के साथ मैं अपने आप को समराइज करना चाहूंगा, और वो ये है कि एथिक्स ऐसे फॉलो करो कि अपलाइन और सीनियर दिल से आपको आशीर्वाद दें, प्यार मिले. और अपलाइन और सीनियर किसको दिल से आशीर्वाद देते हैं, किसको प्यार देते हैं, जो काम पे भी फोकस रखता है और काम के साथ साथ सारे के सारे एथिक्स को फॉलो करता है. और दूसरा, एथिक्स ऐसे फॉलो करो जो टीम का दिल से सहयोग और सम्मान मिले. टीम के लोगों से दिल से सहयोग और सम्मान कब मिलेगा, जब हम सारे एथिक्स को फॉलो करेंगे और अपने उसको हमेशा बढ़ावा देंगे. क्योंकि अगर हम सहयोग नहीं करेंगे तो हमारे को, अगर हम एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो टीम का भी दिल से सहयोग नहीं मिलेगा. धीरे धीरे सम्मान भी जो जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता है, ये हम लोग नोटिस कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज मुझे खुशी है कि आज आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला. मैं दोबारा धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे सारे डायरेक्टर्स का, सेफ सोप कंपनी का, और हमारे सारे के सारे सीनियर्स का, सारे के सारे मेंटर्स का, कि आज मुझे इस मंच के माध्यम से अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला. और मैंने जो भी कुछ सीखा है वो यहीं से आके सीखा है, हमारे मेंटर से सीखा है, हमारे डायरेक्टर से सीखा है, हमारे जो सीनियर्स हैं उनसे सीखा है, हमारी टीम के लोगों से सीखा है. तो अभी मैं अपने शब्दों को विराम करना चाहूंगा और सब सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा. थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू. नमस्कार, सबसे पहले तो थैंक यू विजयपाल जी, थैंक यू. दोस्तों, अभी मैं जरूर इनवाइट करना चाहूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर को. और नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे विजयपाल जी, जो बहुत ही कद्दावर लीडर हैं, बहुत ही सक्सेसफुल लीडर हैं. आज इन्होंने क्राउन एम्बेसडर लेवल अचीव करके दिखाया है. और बात आती है एथिक्स की, तो इन्होंने एथिक्स के मामले में मैं बात करता हूं कि खुद अपने सारे के सारे एथिक्स को फॉलो किया है और टीम में भी लोगों को एथिक्स को फॉलो करने के लिए इनकरेज किया हमेशा और उनको आगे बढ़ने का मौका दिया. तो मैं चाहता हूं नेक्स्ट स्पीकर हमारे विजयपाल जी को स्क्रीन पे कॉल करना. वेलकम विजयपाल जी, वेलकम. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. सभी साथियों को मेरा नमस्कार, और साथी कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहेंगे हम सर. आपने बहुत ही एथिकल एथिक्स के बारे में हमको बताया, और हमेशा से मैं आज ये शानदार प्रोग्राम में आप लोगों के साथ हूं, सभी लोग मुझे सुन रहे हैं. और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि हमने एथिक्स हमेशा सेफ शॉप से सीखे हैं, अपने डायरेक्टर से सीखे हैं, अपने सभी सीनियर से सीखे हैं. जो हमारे सभी सीनियर जो आज पैनल पर मौजूद हैं, मैंने सबसे सीखा है. और आज जो ग्रेवाल सर, आज आपने हमें जो बताया, आपने सिर्फ हमको बताया नहीं है लेकिन ये करके दिखाया है. एक एक चीज को बहुत अच्छे से करके दिखाया है. आज बहुत सारी चीजें हमने सीखी हैं, आपने एक एक चीज को बहुत अच्छे से हमको सिखाया है. मेरा मानना है
कि आपने हमेशा हमको सिखाया कि जैसे हमें किसी वाहन पर सफल यात्रा करने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं, ट्रैफिक रूल्स हैं, उसको हमें पालन करना होता है। एक देश में रहने के लिए देश के नियमों का पालन करना होता है, समाज में रहने के लिए सामाजिक कुछ रूल्स होते हैं उनको हमें पालन करना होता है, वहां के कुछ एथिक्स होते हैं उसको हमें पालन करना होता है। हर जगह कहीं भी किसी भी देश में रहें, किसी भी जगह रहें, किसी भी बिजनेस में रहें, किसी भी इंडस्ट्री में रहें, वहां के एथिक्स होते हैं। हमेशा हमको ये बात आपने सिखाई कि अगर हमको एक बहुत बड़ी टीम बनानी है, क्योंकि एक तो होती है भीड़, आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अगर वहां एथिक्स नहीं है तो वो भीड़ है, और अगर भीड़ में एथिक्स डाल दिए जाए, एक नियम में बांध दी जाए, एथिक्स डाल दिए जाए, तो वो एक टीम बन जाती है, और टीम के व्यापार पे हम बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। ये हमेशा हमने सीखा। आप इस मामले में हमारे रोल मॉडल हैं, और मैं जरूर बताना चाहूंगा कि जिस तरह से देश में नियमों का पालन करना होता है, वैसे ही किसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी बड़ी टीम बनाने के लिए, बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए, टीम को साथ जोड़े रखने के लिए, उसमें सम्मान बनाए रखने के लिए हमें एथिक्स को फॉलो करना होता है। हर सफल और समझदार और एक दमदार लीडर अगर कोई है और बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता है, उसका ख्वाब है, सपनों जैसी टीम बनाना चाहता है, तो एथिक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये हमने आपसे सीखा। और कोई भी बड़ा लीडर आज की डेट में मैंने देखा है जो बहुत एक निष्ठा से, बहुत ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे तरीके से एथिक्स को फॉलो करता है, जिसकी वजह से वो बड़ा है, उसकी मेहनत तो साथ में है ही, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर मेहनत भी की जाए और साथ साथ एथिक्स लिए जाए तो बड़ी टीम बनाई जा सकती है, तो हम बड़े लेवल पर जा सकते हैं। अगर एथिक्स नहीं है, आप मेहनत करेंगे भी तो भी आप बड़े आगे लेवल पर जा नहीं सकते। हमने आपसे सीखा कि आप किसी भी एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी, एक टॉप पोजीशन लेने के बाद भी, अगर आप एथिक्स को फॉलो नहीं करते, अगर आप ईमानदारी को फॉलो नहीं करते, अगर आप टीम में अपना सम्मान बनाए नहीं रखते, अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करते, तो वहां से भी आपका बिजनेस पूरा का पूरा धराशायी हो सकता है, आप अपनी टीम में सम्मान खो सकते हैं। तो ये हमने आपसे सीखा। आज 3 कार्डिनल रूल को आपने बहुत अच्छे से बताया, हम जरूर उसका पालन करेंगे। आपसे ही ये सीखा है और आपने ये पालन किया है। सेफ शॉप में मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ, हम सभी बड़ा प्राउड फील करते हैं कि वो कभी भी अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं करती, कभी भी हमेशा अच्छा प्रमोट करने के लिए बोलती है, कभी भी किसी की क्रिटिसाइज नहीं करती। आज तक दूसरी कंपनियों को मैंने देखे, लोग दूसरी दूसरी कंपनियों के क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, उनके बारे में शिकायतें करते हैं कि यहाँ ऐसा है वैसा है, लेकिन आज तक मैंने सेफ शॉप के डायरेक्टर्स के मुंह से, ऑनरेबल डायरेक्टर्स के मुंह से, अपने सीनियर्स के मुंह से और अपने किसी भी सफल जो हमारे डायरेक्ट सेलर हैं जो हमारे सेफ शॉप में हैं, उनके किसी के मुंह से ऐसी मैंने बात सुनी नहीं। वो सिर्फ एक बात पर ध्यान देते हैं, सेफ शॉप आज एथिक्स के मामले में नंबर 1 पे है, तो वो इसलिए है कि उसकी जड़ जो है वो कभी उसको छोड़ते नहीं है, और वो हमेशा अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं, हमेशा इंप्रूवमेंट के लिए काम करते हैं। आज जितना बेहतर है उससे और बेहतर कल बनाने के लिए काम करते हैं, इस वजह से हम बेहतर हैं। और ये संस्कार है हमारे, कोई भी परिवार में अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो बिना संस्कार के नहीं बढ़ता, और कोई भी टीम अगर आगे बढ़ती है तो वो भी बिना एथिक्स के और बिना संस्कार के नहीं बढ़ सकती, और हम संस्कारों पर काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आज सर, कोटि कोटि धन्यवाद ग्रीवाल सर, आपने बहुत अच्छी सीख दी, और मैं वादा करता हूँ हम और हमारे सभी साथी जितने भी सुन रहे हैं, भविष्य में बड़ी टीम बनाने के लिए हम इन सारी चीजों का खुद पालन करेंगे और इसको आगे भी हम प्रमोट करेंगे। मैं सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि जो लोग हमारे साथ अच्छे होंगे, जो लोग दमदार होंगे, जो एथिक्स को पालन करेंगे, वो भविष्य बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के प्रोग्राम की एक शानदार क्लोजिंग के लिए मैं जरूर यहाँ पर अपने ऑनरेबल डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं जरूर बुलाना चाहूंगा श्री सिद्धार्थ सहगल सर को, सो प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट का सुपर वेबिनार के लिए हार्दिक धन्यवाद करता हूं। नरसी गरेवाल जी, व्हाट एन एनर्जी, व्हाट एन अमेजिंग सेशन। आप जो भी बोले दिल से बोले, लाखों लोग आपको फॉलो करते हैं, लाखों लोगों के लिए आप रोल मॉडल हैं। हम सभी का सौभाग्य है कि आपने हमें नैतिकता, ईमानदारी और कमिटमेंट के बारे में बताया, इसके लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि हमारी कंपनी सेफ शॉप 19 साल से 100% एथिक्स, कमिटमेंट और ऑनेस्टी के साथ काम करती आई है, और विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी हम इसी तरह ऐसे ही काम करते रहेंगे।
साथियों, जब हम एथिक्स नैतिकता की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि किसी के भी साथ चीटिंग ना हो, चाहे वो हमारी अपलाइन हो, चाहे वो हमारी डाउनलाइन हो, या फिर हमारे सोशल सर्कल में कोई भी। हमेशा सच्चाई में विश्वास रखना है। ऑलवेज बिलीव इन ट्रुथ टेलिंग एंड प्रॉमिस कीपिंग। अच्छी नैतिकता वाला व्यक्ति समाज में सबसे बहुत रिस्पेक्ट और बहुत प्यार पाता है, और सबसे महत्वपूर्ण है ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो एथिक्स के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है, वो कंपनी, वो ऑर्गेनाइजेशन एट ऐसे कठिन समय में, ऐसे कठिन कोरोना वायरस के समय में रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस करती है जैसे आपकी कंपनी सेफ शॉप कर रही है। ये आप सभी का विश्वास और कड़ी मेहनत का नतीजा है जिसने सेफ शॉप को वन ऑफ द टॉप डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनीज बना दिया है। और आज तो सेफ शॉप में एक बहुत ही स्पेशल धार्मिक ग्रंथ संपूर्ण हनुमान डिजिटल रूप में लॉन्च हुए, इस पर मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सबकी मेहनत के साथ अब हनुमान जी की शक्ति भी हमारे साथ जुड़ गई है। अब जब स्वयं हनुमान जी हमारे साथ हैं तो हमसे मुकाबला करने का साहस भला कौन करेगा। साथियों, आज का ये वेबिनार यही समाप्त करते हैं, इस प्रॉमिस के साथ कि अगले हफ्ते बुधवार को एक बार फिर मिलेंगे कुछ नया सीखने, कुछ नया सोचने। और नेक्स्ट वीक हमारे वेबिनार के स्पीकर होंगे हम सबके चहेते वन ऑफ द डैशिंग पर्सनालिटीज आई नो एंड अमेजिंग स्पीकर ऑफ सेफ शॉप, जिनके स्टेज पर आते ही लाखों लोग ऊर्जावान हो जाते हैं, आवर वेरी डियर क्राउन एम्बेसडर मिस्टर दीपक बिल्ला। थैंक यू वेरी मच। जय सेफ शॉप, जय हिंद।